Hello everyone, assalamu alaikum. I'm Sayyid Nomamani, and today's my topic is logic and critical thinking, principle of identity, principle of non-contradiction, and the law principle of third one, the excluded middle. Whenever we take a discussion, how we present our ideas, how we express our argument, so we have presented our statement in three ways. We can say that this one is black, this one is cat, this one is mine, okay? This one is blue, this is called A, this is called X. So whenever you say that, it is quite clear, okay, whatever is it quite clear? And that statement is true, okay, main clearly bol raha hu, main point out kar raha hu, ke is waqt day hai. Now it's a night, ye day hai, ye night. It should be clear that. Principle of identity tell you okay, whatever the statement you are delivering, it is true. It is completely true. A is equal to A. Any A barabar A k, 1 is equal to 1. 2 is equal to 2. It's quite crystal clear. Jab kabhi bhi hum koi communication karte hain, koi statement dete hain, ya koi baat sabit karte hain, to hum kehte hain yahan mera clear matlab hai. दिन का मतलब यहाँ पे दिन ही है, ब्लैक का मतलब यहाँ कंप्लीटली ब्लैक है, कोई और एक्सक्यूज नहीं दे रहा. प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी इज दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इज से दैट इट इज कंप्लीटली इट इज व्हाट वी से दैट. कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई दिस एंड दैट नहीं है. इट इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर. प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि जो भी आपका स्टेटमेंट है, क्लेम है, जो आपकी पोजिशन है, वो किसी किस्म के भी कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, वो आइडेंटिकल हो. यानी जो आप क्लेम कर रहे हो, जो आप एविडेंस दे रहे हो और जो आपका कंक्लूजन है, वो सब एक है. यानी ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, ऑल रिमेन द सेम. अच्छा, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अक्सर लोगों की आप कॉन्वर्जेशन सुनते हो, पोजिशन देखते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, तो आपको एक एक स्कूल ऑफ थॉट नजर आएगा, सोच छुपी नजर आएगी, और उसके अंदर एक खास किस्म का एक पीओवी, एक पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है. अच्छा, जब उस पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको अच्छा ये पोजीशन हमें समझ आ रही है. इकोनॉमिक्स को लेके क्या पोजीशन है, रिलीजन को लेके क्या पोजीशन है, स्टेट को लेके क्या पोजीशन है, अच्छा पॉलिटिकल पोजीशन ये होल्ड करता है. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद, स्टेटमेंट के बाद, हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. बट व्हेन ऑल रिमेन द सेम, when all remain the same, right? When we found no contradiction over it. Okay, fine. The next one is principle of non-contradiction, and what it is? Law of non-contradiction, when one thing is contradict with the other. कि आप एक बात कहते हो और उसी के बिल्कुल अपोजिट. आपने पहले कहा कि हाँ इस वक्त नाउ इट्स अ डे टाइम, फिर आपने कहा नहीं 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 रात हो रही, आपने कहा इट्स अ ब्लैक, आपने कहा नो 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 इट्स नॉट अ ब्लैक इट्स अ वाइट वन. लाइक यू हैव मेमोराइज इट, यस आई कैन, यस 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 आई कैन, बट समहाउ डू यू नो थिंग, यस आई नो बट आई कुडंट नो, आई नो बट आई डोंट नो. सो दीज टू पोजिशन बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी विथ ईच अदर. यानी एक बात दूसरी बात से बिल्कुल उसके जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है. नो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स. दो चीजें एक वक्त में एक जैसी नहीं हो सकती ना पोजीशन उनकी, कि वो ट्रूथ भी है फॉल्स भी. आपने कहा ये बात सही भी है और गलत भी है, ये जुर्म भी है और ये जुर्म भी नहीं है. नथिंग कैन बी बोथ एट द सेम टाइम, नथिंग कैन बी एंड नॉट बी, कि वो है भी और नहीं भी, या तो है या नहीं है, तो मुजरिम है या वो मुजरिम नहीं है, वो इनोसेंट है या बिल्कुल इनोसेंट नहीं है. तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन इज that type of statement, it completely show you that this statement is never contradict with the another statement. Your both statement are not contradict with each other. और ऐसा आपने बहुत देखा होगा, लोगों की positions होती हैं अक्सर आप उनका कोई argument सुनते हैं regarding some view, or after the first certain time, after the period of time, you will see that वो position reflect नहीं हो रही होती है, वो change हो जाती है. अक्सर media houses में ऐसा होता है, journalists
वो क्लिप्स निकालते हैं और रिकॉर्ड कराते हैं कि याद करें आपने लास्ट प्रीवियसली कहा था और अब देखिए क्या कह रहे हैं आप ये। तो दिस स्टेटमेंट एंड दिस आर्गुमेंट इज नाउ कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी। सर आपकी बात थी लेकिन अभी आप ये बात कह रहे हैं, दोनों बातें एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो जब कभी भी हम किसी की गुफ्तगू को सुनते हैं, कोई बुक रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, न्यूज़पेपर का क्लिप पढ़ें, हम कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ें, न्यूज़पेपर का क्लिप देखें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। एक सोच का एक उसूल है, ALU की ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा माइंड भी सिस्टमेटिक है। अगर अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हों, ओवरलैप कर रही हों और डिफरेंट पोजिशन हो, तो दर्द सही हो जाएगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा और जो आपकी सोच है वो तितर बितर होकर रह जाएगी। लेकिन अगर ये क्लैरिटी हो, आइडेंटिटी हो, क्रिस्टल क्लियर हो, पोजीशन बिल्कुल साफ और वाजे हो, तो आप यानी नॉन कॉन्ट्रडिक्टिव पोजीशन हो, तो आपकी सोच बड़ी पुख्ता हो जाती है, आपके जो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा वाजे हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ थॉट यही कहता है कि लॉ ऑफ लॉजिक है, ये बेसिकली लॉ ऑफ लॉजिक है, वो यही है कि इट शुड बी आइडेंटिकल, इट रिमेन द सेम, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन विद ईच अदर। एंड फाइनली द थर्ड वन, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यानी दोनों के दरमियान, आपने कहा नहीं हाफ पास भी है फेल भी है, या तो पास हो गई या फेल, आपने कहा मैं पास भी मैं फेल भी, कामयाब हाँ तुम कामयाब भी हो तुम नाकाम भी हो, ऐसे कैसे? तो ये कोई पोल्ट्री तो नहीं चल रही, ये कोई मूवी के डायलॉग्स तो नहीं चल रहे हैं कि तू है कि नहीं, यानी ये हो भी सकता और ये नहीं भी हो सकता। लॉजिकल और रैशनल आर्गुमेंट इस बेसिस पे होते हैं कि इट नाइदर ट्रू और फॉल्स, या तो दोनों नाइदर ट्रू नो फॉल्स, एवरीथिंग मस्ट आइदर बी और नॉट बी। तो एक्सक्लूडेड मिडल मतलब इनके दरमियान कुछ नहीं होगा, एक्सक्लूडेड क्लियरली होना चाहिए। मेरे पास एग्जाम्पल भी मैंने दोनों सबकी कोट किए, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी और लॉ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्लियर सी बात है कि ए शुड बी ए, ए इज ए, ईच थिंग इज इनसेपरेबल, यानी हम उसको कहेंगे कि व्हेन आई से द वर्ड द पेंसिल तो इट मीन्स द पेंसिल, व्हेन आई से द वर्ड फोन तो इट क्लियरली मीन्स द फोन, व्हेन आई से द वर्ड द मैन तो मैन मीन्स द वर्ड क्लियरली इनसेपरेबल फ्रॉम इटसेल्फ, एवरीथिंग इज द सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द फुटबॉल इज अ फुटबॉल नो नॉट अ टेनिस बॉल, शुड बी क्लियर। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई एग्जम्पशंस ना हो, इट विल रिमेन द सेम और ए इज इक्वल टू ए। द सेकंड वन इज लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, द एग्जांपल इज दैट मैन इज एन एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ वर्चुअल एनिमल, मैन इज डिजिटल। अच्छा भाई मैन इज एन एनिमल, इफ यू से द मैन एन एनिमल सो बोथ आर द डिफरेंट, इफ समवन लूज देयर ह्यूमैनिटी यू यू विल code that you not remain the human, you are like an animal, so animal is some sort of the cruel one. And if you say that man is a creative one, man is the most superior and the wise surgeon and the better species than the other, because of what? Because he has a mind, he uses the mind and intelligence. Man is the most intelligent creature. But on the other end, you will say that man is not an animal, man is an animal. One time you say that is the most better species than the other, all other, and you say that man is animal too. So, ये जो है जो position है, ये contradictory position. If this man is blue, or it is not a non-blue. So if it is blue, तो definitely it is a non-blue. तो ये जो इस तरह की बात है, जो आप अक्सर स्टेटमेंट में आर्गुमेंट में होती है, जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही होती है, तो जो लॉ ऑफ थॉट है वो बिल्कुल स्मूथ एंड क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन जो है और किसी किस्म का जो है वो चेंजेस नहीं होना चाहिए। अच्छा इसी तरह थर्ड वन क्या है, एक्सक्लूडेड मिडल, इधर ए और नॉन ए, ठीक है, एवरी स्टेटमेंट इधर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे इट इज कैट आइदर अ कैट और इट इज नॉट a non-cat, it is a tree, it's not a non-tree. So every statement either exists or does not exist. A thing must be either exactly as it described or not. The excluded middle position to have it between the both of them. So I have some reading over that. Okay, what is law of thought? Law of thought जो है ये बोलियन जो अल्जेब्रा में इंट्रोड्यूस हुई है, बोलियन ने 18th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसके पीछे इसको नाम दिया गया एक बुक में लॉ ऑफ थॉट।
और लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड द लॉ ऑफ थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, राइट. और द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटिंग दिस लॉ ऑफ थ्योरी इज दैट टू मेक ऑर्गुमेंट मोर easily evaluate and recognize and spot the bad argument. So this is the Aristotle laws of thought in his book Origen, and in his book The Metaphysics he wrote this law of contradiction, law of identity, and law of excluded middle, right. So what law of identity say? The law of identity say, I will make a revision, quick revision over it. Law of identity say A is A, everything is the same as itself, or a statement cannot remain the same and change its truth value. So its truth value always remain the same. It's a universal one. If you say that ye jhoot hai, ye dishonest hai, ye galat hai, and after the 10 days, after 10 years, you will refute your position. So it is an identity, universal one. If you will take another position, so it will contradict with the previous one. So everything remains the same and there is no change in the truth value. This one is the first law. Okay, A is A and always A remains the A. The second thing is that the law of non-contradiction, not A and not A. What does it mean? Nothing can both exist and not exist at the same time. At the same time, in the same respect, no statement is both the true and the false. It is a law of non-contradiction. Ki jo statement hai, wo non-contradiction hone chahiye. Unki baaton mein contradiction nahi hona chahiye. Ki aap keh rahe hain ki baat ko sabit karne ke liye, to wo dusri baat ke saath jo hai, wo main aap book padhi, aapne kaha wohi to overlapping ho rahi hai, to interpretation ho rahi hai. Aur isme 7 points hai. First point 7 ke saath, second point 3 ke saath. ये तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, तो फिर कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं हो सकेगा. कंक्लूजन जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाए. एंड द थर्ड वन इज व्हाट, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल. समथिंग आइदर एग्जिस्ट और डज इट नॉट एग्जिस्ट, यानी एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. अब मैं कहूँ इट्स रेनिंग, इज इट रेन, यस इट्स रेनिंग बट इट इज नॉट, ये क्या बात है, बारिश हो गई और नहीं भी हो रही, तो एक बात होगी है या नहीं है. मैंने कहा हाँ हो भी रही है हाफ वे और नहीं भी हो रही है, आधी हो रही है आधी नहीं हो रही, तो ऐसा कैसे कि आधी हो रही है आधी नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक्सक्लूडेड मिडल. तो ये स्मूथ लॉ ऑफ थॉट नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इसमें पाया जा रहा है. तो इट्स क्वाइट क्लियर. सो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, आई हैव सम रिफ्लेक्शन ओवर इट. लॉ ऑफ थॉट विच इज ऑल्सो नोन इज लॉ ऑफ लॉजिक. और ये क्यों यूज किया जाता है, दिस थ्री लॉज ऑफ थॉट एंड प्रिंसिपल ऑफ थॉट. लॉ ऑफ आइडेंटिटी हमें ये सिखाता है, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह से है कि जब कभी भी हम अपनी अमली जिंदगी में कोई स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट करते हैं, तो हमारे जो स्टेटमेंट है, जो हम क्लेम कर रहे हैं, वो जैसी बात है, आप कहें कि भाई दिस वन इज गुड फॉर, आपने कहा फला पॉलिटिशियन मेरे लिए बेस्ट है, मैं जो है वो उसका फॉलोअर, फला बुक मेरे लिए बहुत अच्छी है, व्हाई यू से दैट, तो यू विल प्रोवाइड द रीजन. बट आफ्टर सर्टेन टाइम आपने कहा नहीं ये अब अच्छी नहीं है, तो आप आइडेंटिकल थॉट नहीं रही ना आपकी, यानी आपने कहा कि समहाउ इट इज एंड समहाउ इट इज नॉट. तो यानी सेकंड लॉ इस तरह से ब्रीच हो रहा है यहाँ पे, वो है कॉन्ट्रडिक्शन का, कि आपने अपनी पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन यू विल टेक दैट मैन इज सुपीरियर देन द फीमेल, फिर and after a certain time you will take the position that woman is more better than the men in the many cases, in some cases somehow. Ab somehow half way are the good and half way are the bad, to ye kaun sa ho gaya excluded middle. To law of thought ye kehti hai ki identical hona chahiye, ek dusre se contradiction nahi hona chahiye, aur middle position yani excluded middle nahi hona chahiye, ki jo bhi aapki argument, aapka argument hai wo crystal clear ho और बिटवीन देम हो, नॉट द बिटवीन देम, इट विल टेक द क्लियर पोजीशन. और अगर हम ऐसा ना करेंगे तो क्या होगा, एक हम कंफ्यूज फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी होंगे,
आपने देखा होगा लोग कोई पोजीशन नहीं ले पाते, वो कहते हैं हाँ ये भी सही है, वहाँ ये भी दोगले दोगला कहते हैं, डिप्लोमेटिक कहते हैं और हिपोक्रेट कह रहे होते हैं उनको, बड़े बुरे बुरे नाम के साथ पुकारा जाता है। किसी की मसला क्या है, वो जिंदगी के मसलों में और फैसलों में और अपनी एक कोई पोजीशन लेने में हाफ लिबरल है हाफ कंजर्वेटिव है, तो दो में से कोई एक पोजीशन होगी, हाफ कैपिटलिज्म हाफ सोशलिज्म है। अच्छा कभी अपने मुल्क को बुरा कह रहे हैं, कोई दूसरा क्या है तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो कोई एक पोजीशन ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो कभी एजुकेशन सिस्टम को बुरा कह रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि बहुत बेटर है कि हमें इन इकोनॉमिकल वे में हमें आसानी से जो है पढ़ना मैसर हो गया। यानी कोई एक पोजिशन नहीं है, आइडेंटिटी क्या है कि इट रिमेन द सेम। नॉन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि आपकी बात दूसरी बात के साथ जो है वो आपकी अपनी ही कही हुई बात को जो है वो आप उसके बरक्स बात ना कहें कभी भी। और एक्सक्लूडेड मिडल यानी दोनों, आपने हाफ हाफ कहा है तो ये डिप्लोमेटिक आंसर होगा, इट शुड बी क्लियर। तो लॉजिक के अंदर क्रिस्टल क्लियर आर्गुमेंट होता है, कंक्लूजन ड्राइव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीस थ्री लॉज ऑफ थॉट एंड लॉज ऑफ लॉजिक। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस करने में, इवेल्यूएट करने में, और आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आप कहीं सुने, कोई वीडियो सुन रहे हो, कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट क्या किया था। गुफ्तगू अक्सर लोग करते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो क्या उन्होंने वहीं कंक्लूड किया या वो बात करते करते वो भूल गए कि कहाँ बात कर रहे थे। अच्छा आइडेंटिकल यानी क्लेम एविडेंस मैच करना चाहिए। दूसरी बात, कोई ऐसी बात ना करें कि वो दोनों स्टेटमेंट दोनों आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल बरक्स हो जाएं, सर के बल जैसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएं, इंटर जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए। या फिर एक्सक्लूडेड मिडल, आपने हाफ पोजिशन ली है कि आधा तीतर आधा ब्रिटेर, तो ये जो लॉ ऑफ थॉट हमें सिखाता है कि वी शुड टेक क्लियर पोजिशन और हमें कंफ्यूज पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी है ना होना है, और वी विल टेक अ क्वाइट क्लियर पोजिशन ओवर इट। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ला हाफिज। टॉपिक लॉ ऑफ थॉट लॉ ऑफ लॉजिक एंड वी गो टूवर्ड द रीडिंग। जैसे भी हमने कंटेंट देखा, अब नाउ वी विल मूव टूवर्ड द रीडिंग साइड। और ये मैं रीडिंग अरविंद कोपी की बुक चैप्टर सिम्बोलिक लॉजिक से, आर्टिकल हमारा है थ्री लॉज ऑफ थॉट और थ्री लॉज ऑफ लॉजिक। सो आई डू रीडिंग विद अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। I will give the more explanation regarding this topic, the law of logic and law of thought. So here is a reading. Introduction to logic, Arvind Kopi. Chapter name is Symbolic Logic, and the article is Law of Thought. Again, I have repeated. Introduction to Logic, Arvind Kopi, Symbolic Logic, and the article is The Three Laws of Thought, as you see on the screen. So what the writer say, and what he want to be. Okay, fine. The Three Laws of Thought. ये early philosopher जिसमें Aristotle, in his book The Metaphysics and Organon, he presented this law. Or and later on the Boolean, George Boolean, which is very popular for the Boolean algebra, he also makes some more modification in that law, the three laws of thought. So what does law say? Some thinkers, after having defined logic as the science of the law of thought, the law of logic is the law of thought. And they have the three basic laws of thought there. These are the number one, the principle of identity, as you see. I do reading there.
the principle is that if any statement is true, then it is said to be true. It is true. So use your notion that the main principle of identity is that every statement is universal. It remains the same, and this is a simple tautology of that principle. That is law of identity. The statement remains the same. Statement is true. And the second one is the law of contradiction, non-contradiction. Okay. Yes. The next one is principle of non-contradiction, the law of non-contradiction. What the writer say? The writer say the principle asserts that no statement can be both at the same time, at the specific mode of time. No statement can be both the true and the false. It means every statement showing the position that A is not A naught. जैसे P naught or P or P naught. कि P भी है वो P naught भी है. तो ये दोनों position क्या हैं? These are the self-contradictory. ठीक है? तो no statement is contradiction have contradiction with each other. The third one is the principle of excluded middle. And what principle assert that? Every statement is either true or false. So these are the important notion of rephrasing that principle of excluding middle assert that every statement form is must be true, that every statement is completely a tautology, right? So these are the three principle. These are the three law of thought, law of logic, the principle of non-contradiction, the principle of identity, and the principle of excluded middle. So what the writer say, it is obvious that these three principles are very important, and the first one is identity, the second one is contradiction principle, and the third one is excluded middle. And excluded middle means neither this and neither no, either or. We do use this principle in completing to turn the table, the true and the false. We have to be evaluate that statement is either true or false. Agar law of identity follow ho raha hai, to iska matlab statement is true. Agar contradictory position hai, to phir wo false hoga. Excluded middle mein bhi position is not clear ke either it is true or either it is false. और इसी को लेके डी मॉर्गन थ्योरम बनाया, और ये जो है इससे बहुत सारे थ्योरम एग्जिम बनाए गए, क्लियर किए गए हैं. और इसको हम एग्जिमेटिक डिडक्टिव सिस्टम यूज होता है. डिडक्टिव सिस्टम यानी जो डिड्यूस करते हैं, कंक्लूजन को कंक्लूड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, ये वहाँ यूज होता है. इसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि समथिंग टू बिलीविंग देमसेल्फ टू हैव बीन डिजाइन अ न्यू एंड डिफरेंट लॉजिक एंड क्लेम दैट दीस थ्री प्रिंसिपल आर इनफैक्ट नॉट ट्रू. And that obedience to them has been neatly confining, but this criticism has been based on misunderstanding. मतलब उनका कहना ये है कि ये जो तीनों principles हैं, ये confine करने के लिए कि true or false के लिए ये बहुत ज़्यादा important हैं. अच्छा, जैसे अब यहाँ पे नीचे demonstration भी दी है यहाँ पे कि the principle of identity has been attacked on the ground. अब इसके ऊपर criticism किया, जैसे कि statement दिया हुआ है कि United States in the original sense that there are only 13 states in the United States. Ab this was the olden statement. Ab ye baat 17th century mein to ye baat theek thi, but right now ab isme bahut sari further more states are there. There are only 13 states. No, there are only 13 states in the United States in 1790. So ye principle of identity nahi raha. Is tarah se ek aur baat yahan pe hum dekhenge, the principle of identity is true and does not interfere with our recognition of continuing change. तो ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी, फिर यहाँ पे इस पर क्रिटिज्म आ जाएगा कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो चेंज. अब जैसे अब यूएसएसआर कहते, तो अब आने वाले वक्त में किसी को क्या पता यूएसएसआर जो है वो डिवीजन हो जाएगा, और उसके बहुत सारे जो अब आप मिडल ईस्ट कहते हैं वो मिडल ईस्ट चेंज हो जाते. इस तरह से सुनामी डिजास्टर आया तो ज़मीन चेंज हो गई और रीजन चेंज हो गए. तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी नॉट ऑलवेज रिमेन. तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि लॉ ऑफ थॉट और लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे इसके एक क्रिटिज्म ऑफ लॉ में नजर आता है. अच्छा, उसके अलावा और भी इसमें जो है वो ऑथर क्या कहता है जरा देखते हैं हम. ऑथर हमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, वो हीगल एक फिलासफर है और कार्ल मार्क्स, तो वो एक पोजिशन है
हीगल का कहना ये था कि जो है रियलिटी जो है वो इज अ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज, यानी जितने भी आइडियाज हैं वो वक्त के साथ साथ इवेल्यूएट होते चले जा रहे हैं, और ये सब कुछ जो है वो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात की कि ये जो दुनिया में मूवमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, यानी ये सब मैटर है। अब देखें दोनों अपोजिट पोजिशन है, एक तरफ आइडियलिज्म है तो दूसरी तरफ मटीरियलिज्म है, तो ये दोनों पोजिशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे कि सर के बल खड़ा कर दिया और हीगल की थॉट को मार्क्स ने। तो ये देखा जाए तो निगेशन है, मार्क्स का कंप्लीटली निगेशन है हीगल की तरफ, हीगल की थ्योरी को लेके कि ये हिस्टोरिकल आइडियलिज्म कुछ भी नहीं है, और वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कंप्लीटली डिनायल है, निगेशन है। लेकिन अगेन अगर देखा जाए तो सारी थ्योरीज उसी से सिमिलर है, बस आइडियलिज्म को रिप्लेस कर दिया गया मटेरियलिज्म के साथ, मगर वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रही है और दुनिया उसी तरह से इवॉल्व हो रही है, बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन आइडिया की शक्ल में नहीं, मैटर की शक्ल में, ये मार्क्स है, मार्क्स का कहना था। और इसी तरीके से जो है वो हम बात करें जो है यहाँ पे इसी तरह एक और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, इट इज नॉट द केस दैट दिस इज व्हाइट, इफ व्हाइट इज यूज इन प्रिसाइसली द सेम सेंस इन बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट, तो वन मस्ट बी फॉल्स एंड वन मस्ट बी ट्रू। तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्शन है टू वैल्यू जो क्रिएट की जाती है, तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल के अंदर जो है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और लॉ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर भी हमें कुछ कुछ जो है वो फ्लॉ क्रिटिज्म नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सम अप करता है, वो कहता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल तो है साथ में, और ये उसके लिए फिर उसने बताया है कि प्लेटो ने अपनी एक बुक लिखी थी, बड़ी पॉपुलर बुक है रिपब्लिक, और उसकी बुक 4 में उसने ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को अपील किया है, और एरिस्टोटल ने इसको डिटेल में जो है स्टडी डिस्कस किया है अपनी जो है वो बुक मेटाफिजिक्स के अंदर, और बुक 4 और बुक 11 के अंदर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन एरिस्टोटल क्या कहता है, जरा देखें, दैट द सेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं खूबी को, दैट द सेम एट्रीब्यूट कैन नॉट एट द सेम टाइम बिलोंग एंड नॉट बिलोंग टू द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही खूबी एक वक्त में किसी के साथ एसोसिएट नहीं होती, एंड द सेम रिस्पेक्ट इज अ प्रिंसिपल, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी का मतलब ये कि ये शिनाख्त है, पहचान है, विच एवरी वन मस्ट हैव अंडरस्टैंड एनी थिंग, दैट इज विच एवरी वन मस्ट ऑलरेडी हैव वैन ही कम्स टू स्पेशल स्टडी। और जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने आते हैं, क्या कंक्लूड किया इस बात से कि द मोस्ट सर्टन ऑफ ऑल प्रिंसिपल दैट लॉ ऑफ थॉट मे नॉट डिजर्व द हॉनरिफिक स्टेटस असाइन टू देम बाय सम फिलोसोफर बट दे आर इंडिविजिबल ट्रू। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, 3 लॉज अप्लाई होते हैं इस मेटाफिजिक्स की बुक में, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि आइडेंटिटिकल होने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होने चाहिए, और जो है वो क्लियर पोजिशन होनी चाहिए। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ थॉट, सो आई होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।